तकलीफ अकेलेपन से नहीं, अंदर के शोर से है। हिम्मत मत खोना, अभी बहुत आगे जाना है। जिन्होंने कहा था तेरे बस का नहीं, उन्हें भी करके दिखाना है। राधे राधे दोस्तों, जो इंसान आपको दूसरों के राज बताता हो, उस पर कभी भरोसा मत करना, क्योंकि जो दूसरों के राज आपसे बताता है, वो आपके राज जरूर दूसरों से बताता होगा। बुद्धि हर इंसान के पास है, पर हमें इसे चालाकी से इस्तेमाल करना है या ईमानदारी से, ये तो हमारे संस्कारों पर निर्भर करता है। क्योंकि चालाकी 4 दिन की और ईमानदारी जिंदगी भर की। सलाह के 100 शब्दों से ज्यादा अनुभव की एक ठोकर इंसान को बहुत मजबूत बनाती है। अपने सुख दुख को जीवन में हमेशा दूसरों से राज रखना चाहिए। अगर आप सुख में हैं तो लोग तो बहुत होंगे आपके पास, पर उनमें शायद ही कोई अपना हो। और अगर आप दुख में हैं तो लोग आपका मजाक बनाने में देर नहीं लगाते। चुप थे तो चल रही थी जिंदगी लाजवाब, खामोशियां बोलने लगी तो बवाल हो गया। जब मनुष्य जन्म लेता है तो उसके पास सिर्फ सांसें होती हैं, नाम नहीं होता। पर जब मृत्यु को प्राप्त होता है तो सिर्फ नाम होता है, सांसें नहीं होती। इसी नाम और सांसों की कर्म यात्रा का नाम ही जीवन है। कभी खुशहाल तो कभी उदास होगी, कभी जीत तो कभी हार होगी। ये जिंदगी भी एक सड़क की तरह है, धीरे धीरे ही पार होगी। ऐसा काम करो कि हर कोई दुआ दे। दुआओं का कोई रंग नहीं होता, लेकिन जब ये रंग लाती हैं तो जिंदगी रंगों से भर जाती है। ना किसी के अभाव में जियो, ना किसी के प्रभाव में जियो। ये जिंदगी तुम्हारी है, अपने स्वभाव में जियो। आप हमेशा ये सोचते हो कि किसी को आपकी बातें बुरी ना लग जाएं, पर क्या कभी ये सोचा है कि किसी की बात का आपको भी बुरा लग सकता है? अगर मजाक का सहारा लेकर लोग दिल की बात बोल ही जाते हैं। जीवन में यही देखना महत्वपूर्ण नहीं है कौन हमसे आगे है, कौन हमसे पीछे, बल्कि जीवन में यह देखना जरूरी है कौन हमारे साथ है और हम किसके साथ। किसी से जुड़ना बड़ी बात नहीं, बल्कि हमेशा जुड़े रहना बड़ी बात है। जरूरत से ज्यादा दिखावे इंसान को कर्जे में डुबो देते हैं, पर फिर भी जमाना तो दिखावे का ही है। मैंने देखा है ये आलम जमाने में लोग बहुत जल्दी थक जाते हैं रिश्तों को निभाने में। खूबसूरती को कभी किसी चेहरे में मत ढूंढना, खूबसूरती तो हमेशा दिलों में ही होती है, और जो चीजें जहां होती है उसे वहीं ढूंढना चाहिए। आंखों का पानी और दिल की कहानी हर किसी को समझ नहीं आती। तुम अपनी पीड़ा के लिए संसार को दोष मत दो, अपने मन को समझाओ। तुम्हारे मन का परिवर्तन ही तुम्हारे दुखों का अंत। कुछ इसलिए भी पसंद आते हैं सच बोलने वाले लोग कि वो खुद टूट जाते हैं मगर किसी का दिल नहीं टूटने देते। जिंदगी आपको उस मुकाम पर जलील करती है जहां से आपको कुछ उम्मीद रहती है, तो उम्मीद मत रखो किसी से सिवाय अपने आप के, क्योंकि यही सारे दुखों की जड़ है। गलत फहमी जिस इंसान से हो, बात भी उसी से करो। दूसरों से करोगे तो सिर्फ दूरियां ही बढ़ेंगी। जो व्यक्ति स्पष्ट, साफ और सीधी बात करता है, उसकी वाणी हमेशा कठोर ही होती है, लेकिन ऐसा व्यक्ति कभी आपको धोखा नहीं देता। दुनिया का उसूल है, जब तक काम है तब तक तेरा नाम है, वरना दूर से ही सलाम है। स्कूल तो हम बचपन में जाते थे, अब तो बस जिंदगी सिखाती है। वो पल तो बहुत खूबसूरत था, पर क्या करें वो तो कल था। भरोसा जितना कीमती होता है, धोखा उतना ही महंगा हो जाता है। जो नसीब में नहीं है वो रोने से भी नहीं मिलता। किसी को धोखा देकर ये मत सोचना कि तुम ज्यादा होशियार थे। याद रखना, जब कर्म का चक्कर घूम कर आएगा तो सारे कर्मों का हिसाब हो जाएगा। जीवन में 2 चीजों की गिनती करना छोड़ दो, खुद का दुख और दूसरों का सुख। जिंदगी ज्यादा आसान हो जाएगी। अपनी तकलीफ सिर्फ उन्हें बताओ जो आपका दर्द समझने के काबिल हो, क्योंकि वो अपने ही होते हैं जो लफ्जों से मार देते हैं। कोई इतना भी व्यस्त नहीं होता कि उसे आपके लिए वक्त ही ना मिले, क्योंकि अपनों के लिए वक्त निकाला नहीं जाता,
बल्कि वक्त देकर रिश्ता निभाया जाता है। दूसरों की जिंदगी में अपनी जगह ढूंढना बंद कर दो। विश्वास करो, आप ज्यादा खुश रहोगे, क्योंकि चमक सबको नजर आती है, अंधेरा कोई नहीं देख पाता। बेवजह नहीं होती मुलाकातें दुनिया में, अरे किसी से अपनापन तो किसी से सबक मिलता है। जिंदगी ने सिखा दिया अकेले जीना, पर पता नहीं क्यों दिल हर बार लोगों के झांसे में आ जाता है। गलत दिशा में दौड़ने से बेहतर है कि सही दिशा में धीरे धीरे चलो। कोई आपका साथ नहीं देगा, आपको लड़ना भी खुद है और गिरकर संभलना भी खुद है। जीवन में कामयाब होने के लिए दो लोगों का होना बहुत जरूरी है, एक वो जो आपको पीछे खींचता है और दूसरा वो जो आपको आगे बढ़ने पर मजबूर करता है। जीवन में अगर कर्म अच्छे और ईश्वर में आस्था हो तो हर समस्या का समाधान मिल ही जाता है। पेड़ कभी डाली काटने से नहीं सूखता, बल्कि जड़ काटने से सूखता है। ठीक उसी प्रकार इंसान अपने कर्म से नहीं, बल्कि अपनी गलत सोच और व्यवहार से टूटता है। कमाल का ताना दिया आज मंदिर में भगवान ने, मांगने ही आते हो, कभी मिलने भी आया करो। पेड़ की डाली से गिरता हुआ पत्ता भी जीवन की बहुत बड़ी सीख देकर जाता है। अगर जिंदगी में तुम बोझ बन जाते हो तो तुम्हारे अपने ही तुम्हें गिरा देते हैं। जिंदगी में एक बात तो तय है कि तय कुछ भी नहीं है। जब दर्द और कड़वी बोली दोनों सहन होने लगे तो समझ लेना जीना आ गया है। अरे किसी को उजाड़ कर बसे तो क्या बसे, किसी को रुला कर हंसे तो क्या हंसे। दिल के रिश्ते ही हमारी ताकत बन सकते हैं, खोखले रिश्ते हमारी कमजोरी ही बनते हैं। खोखले रिश्ते जरूरतों को तो पूरा कर सकते हैं, पर अपने कभी नहीं हो सकते। अगर कोई रिश्ता कमजोरी बन जाए तो ऐसे रिश्तों को तोड़ देना ही बेहतर है। हम खेल में तो बाजी मार जाते हैं, पर धोखेबाजों से हम बाजी हार जाते हैं। रिश्ते कभी जिंदगी के साथ साथ नहीं चलते, रिश्ते एक बार बनते हैं फिर जिंदगी रिश्तों के साथ चलती है। जरूरी नहीं कि सारे सबक किताबों से ही सीखे जाते हैं, कुछ सबक रिश्ते और जिंदगी सिखा जाती है। रिश्ता दिल से होना चाहिए शब्दों से नहीं, और नाराजगी शब्दों में होनी चाहिए दिल में नहीं। दोस्तों आज के भाग में बस इतना ही, खुश रहिए, खुशियां बांटिए। राधे राधे।